साहब आप चला रहे हैं, मेरी तो वजह आपकी तरफ जा रही है, आप लेट हुए हैं पहले जी, तो आप मेरी तो वजह आपकी तरफ जाएंगे। छोड़ो मोबाइल छोड़ो, इसको छोड़ दो। अच्छा पहले ये बात समझे जी, ये जगह कौन सी है? इसका नाम है गारे सौर। ठीक है जी, हम गारे सौर वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। ये जो सामने पहाड़ है, सबसे ऊपर आपको चोटी में दो बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं जिनके दरमियान में खाली जगह है। इस जगह पर पहुँच कर इसी पहाड़ पर मजीद आगे की तरफ, जैसे पहाड़ से इशारा कर रहा हूँ, इसी पहाड़ पर चलेंगे। इधर आइए, इसी पहाड़ पर मजीद आगे की तरफ चलेंगे, तो वो वहीं बैठा जाएंगे। उसका मुंह कितना बड़ा है? उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। जब हम उसके अंदर दाखिल होते हैं, हमारा ये जो हाथ है, मैंने जिसम के बताया हमारा ये जिसम है, जो हम वापस करेंगे, हम दाखिल करेंगे, तो हमारी जो कमर है, जिसे हम लट भी कहते हैं, उसको निशा करेंगे। जब निशा करेंगे, हमारे टखने गोटे वो जमीन पर लगेंगे, तो फिर हम उसके अंदर दाखिल होते हैं। तो जब हम उसके अंदर दाखिल होंगे, हमारे उल्टा हाथ ऐसे ही जो दाखिल होंगे, उल्टा हाथ उल्टे हाथ के साथ बड़ा सारा पत्थर है, जो वो पत्थर है उसका दिक्कत क्या है, ये मैं अब आपको बात जब यहाँ से बताऊँगा, तो वो आपके सामने सारा खर्चा आ जाएगा। क्योंकि हम में से कुछ ऐसे हैं जो शौक रखेंगे वो ऊपर जाने के, और बाकी नहीं जाते, तो इसके लिए पूरा नक्शा आपकी आंखों के सामने रखा, ताकि आप कम अज कम वापस जाने लगे। सरकार जो गाय अब उनको पहाड़ की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन अल्लाह मोहताज नहीं है इंसानों का, अल्लाह किसी चाहता है काम लेता है। अल्लाह ने किससे काम लिया? अल्लाह ने परिंदों से काम लिया, जानवरों से काम लिया, बकरी से काम लिया है, बकरी से आपसे जाके जाला बना दिया, बकरी ने जाला बना दिया, बूटों को हुक्म बनाया जाओ घोसला बनाओ और अंडे दे लो, उन्होंने घोसला बनाया अंडे दिए और वापस चले गए। हम ये लोग ऊपर जा रहे हैं, और जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के टेढ़ी मुबारक थी, वहाँ पर एक जहरीला जानवर था, कुछ उनका काम खास करते हैं, कुछ सिर्फ वो भी जानवर का नाम नहीं, लेकिन बात काम हो या कोई भी हो, जब जसने वाला होता है वो कुछ भी होता है। जब जसा अबू बकर अपना पाँव को क्या जिसम के हिस्से को हरकत ना दी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिसम की हरकत से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। अब तकलीफ प्रकाश क्या है, अब आंखों से आंख निकले, मेरे अनुर पर आकर गिर गए और गिरते ही आंख खुल गई। आकाशन कदम ने माया अबू बकर क्या बात है, दूर हो रहे हो, भारत की असर मेरे पाँव में जानवर ने काटा है, बहुत ज्यादा। तो फरमाया पाँव मेरी तरफ करो, जैसे ही पाँव आकाशन कदम की तरफ किया, आकाशन कदम ने अपना लुआ में जाए तुम्हारे को बताया, तो अल्लाह का बहुत बहुत चाचे ग्राम। उसके बाद क्या हुआ बाकी बात गाड़ी में बताएंगे, ताकि सफर भी करते रहे। आप मैं ये मकान बता रहा हूँ, ये मकान आज से पाँच छः साल पहले यहाँ पर कोई मकान नहीं था, ये सब का सब पहाड़, ये सामने पहाड़ है, गाड़ी छोटी आती है, इसी रास्ते जाके वहाँ उतार देती है, वहाँ से फिर आपको पहले चल सकते हैं, छोटी पहाड़ी की तरफ से पीछे जो मशीन में देख रहे थे वो अपना बंद कर दो, अपना अपना ये पर्चे बंद कर दो, ऊपर का बंद कर दो, एक अनाउंसमेंट ये भी कर दो, मौलाना के जो जहाँ बैठा है वही बैठा सीट में, क्योंकि भाई डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में बैठे ना सब लोग, जो जहाँ बैठा है जहाँ सीट वहाँ मिल रहा है। आसमान जी तीन दफा गाड़ी से नीचे उतरेंगे, दोबारा गाड़ी के अंदर बैठेंगे, तो मैं सफर की दुआ पढ़ूंगा, आप आस्ते आस्ते से अपने दिल के अंदर मेरे साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मौसम सुजाजा कराम,
फिर अब वो लोग ऊपर जा रहे हैं और जाके घाट के बाहर खड़े होकर बातें करने लग गए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ने जब उनकी बातें सुनी गम ज़दा हो गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताहज़न इन्नल्लाहा मअना कि अबू बकर गम ना कर अल्लाह हमारे साथ है। फिर वो लोग जब बातें करने लग गए उनमें से कुछ लोगों ने कहा हम वापस चलते हैं तो शैतान कहने लगा कि हम इस गार के अंदर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गार उनके पैदा होने से पहले की बेआबाद है, अगर इसके अंदर कोई गया होता ये मकड़ी का जाला कबूतरों का घोंसला सब टूटे होते, लिहाजा इसके अंदर कोई नहीं गया क्योंकि अल्लाह ने उनकी अकलों के ऊपर पर्दा डाल दिया। और फिर वो लोग वापस आ गए और आकर मक्का के अंदर ऐलान कर दिया कि जो दोनों को पकड़ के लाए या नाउज़बिल्लाह कत्ल करके लाए उसे 100 लात ऊंट दिए जाए। अब इस लालच में वो लोग उस रास्ते पे बैठ गए जो रास्ता मक्का में आने और जाने के लिए इस्तेमाल होता था और वो रास्ता सफा मरवा की तरफ था, जिस रास्ते पे आपका होटल है वो वही रास्ता है। जब आप सफा से मरवा की तरफ जाते हैं जहाँ सफा लाइट हरी बत्ती खत्म होती है उसके पास आपके दाएं हाथ की तरफ सफा से मरवा की तरफ जाते हुए दाएं हाथ पर एक दरवाजा आता है जिसका नाम है बाबे अली, उसका नंबर है 17 नंबर। और उसी लाइन में आगे करके एक और दरवाजा है जिसका नाम है बाबू सलाम। क्या नाम है जी? बाबू सलाम। वो हरम पाक का सबसे पहला दरवाजा था जिसमें से सब लोग आते थे और जाते थे। तो मज़ा फिर वो लोग उसी रास्ते पे बैठ गए क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरफ अल्लाह के हुक्म से आए थे क्योंकि अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया ऐ मेरे महबूब आपने उस रास्ते को लेना है जिस रास्ते को कोई जानता ना। 3 दिन 3 रात इस गार के अंदर क्याम किया। इस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला गुलाम अबू कुफ़ारा रज़ियल्लाहु तआला अजमईन दिन भर मक्का की गलियों में घूमते, खबरें इकट्ठी करते, शाम को आकर पहुंचा कर जाते। उनके आने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की छोटी बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना पका कर लाती, बकरियों को साथ लेके आती, खाना खिलाकर दूध पिलाकर जाती, खुद आगे चलती, बकरियों के पीछे चलती ताकि जो कदमों का निशान है वो बकरियों के कदमों के निशानों से मिट जाए और दुश्मन इधर आए तो उसे ये पता चले यहाँ सिर्फ जानवर चरने आते हैं। तो मजहब अजयराम 3 दिन 3 रात क्याम के बाद आकर सुसल यहाँ से तशरीफ लेकर गए और 15 दिन का मुसलसल सफर तय किया और 15 दिन का सफर तय करके मदीना पाक पहुंचे। मजहब अजयराम यहाँ की ज्यारत की थोड़ी सी तफसील मैंने आपको अभी बताई है क्योंकि तफसील तो बहुत लंबी है, लेकिन हम इंतहाई मकसद करके आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अपने दाएं हाथ की तरफ देखें पहाड़, दाएं हाथ की तरफ से देखें, अब आपको नजर आ रहा है लोग भी जाते हुए नजर आएंगे, आ रहा है ना जी? इसकी बुलंदी आपको बताई 17 समंदर से 5,413 फुट। तो मजहब अजयराम अभी आपने मदीना पाक जाना है ना जी? अब जो बात बताने लगा हूँ उसको जरा तवज्जो से सुन लेना। नाम पे कुर्बान मदीने वाले बस यही मेरा है ईमान, निगेवान मदीने वाले
बिस्मिल्लाह करो।